खास बात है? हाँ, मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वाओ, सच? हाँ। और जब तू सुनेगी ना कि वो कौन है, तो तू तो बेहोशी हो जाएगी। अच्छा, कौन है? कोकिला बेन मोदी। बड़े लोगों के साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है तेरा, तो तुझे तैयारी तो बहुत करनी पड़ी होगी। बिल्कुल नहीं यार, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। अगर मिस्टर अहम मोदी को मुझे एक्सेप्ट करना है तो एज इट इज करें, वरना मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मैंने तो सुना है कि वो बहुत खड़ूस है। बकवास। अरे बड़े लोगों का भी अपना एक स्टाइल होता है यार, और लोग ना जाने उन्हें क्या क्या समझने लगते हैं। तुम लोगों को जो समझना है समझो, मैं तो चली। अरे तू क्यों हंस रही है? चल। अरे भाभी, छोकरी तो हीरो चे हीरो, जिस घर जाएगी वो घर दीप दीप करने लगेगा। बस नमस्ते कोकिला बेन, आओ पधारो। मैं चंद्रकांत भाई, इंदिरा का बापू। ठीक है, आप जरा मेरी गाड़ी संभालना। आपकी गली के आवारा छोकरे कहीं मेरी गाड़ी को खरोच वरोच ना लगा दे। संभालना हाँ पंडित। चले हाँ, चलिए चलिए चलिए। भगवान की कृपा से हमारी लड़की सब काम में अव्वल रहती है। खेलकूद, नाटक, कविता, सब में सबसे अव्वल रहती है। ये सब उसी के पुरस्कार है। बड़ों के आशीर्वाद से बहुत ही प्रतिभाशाली है हमारी लड़की। जय श्री कृष्ण। आइए ना बैसो। आपका डिकरा नहीं आया? क्यों, मैं आई हूं ना, उसके आने की क्या जरूरत है? मेरी पसंद उसकी पसंद, मेरे हां उसकी हां। जी अगर आ जाते तो हमारी डिकरी भी। डिकरी का क्या, हमारे समाज में वर वधु को पसंद करता है ना कि वधु वर को। अब फिर मेरा छोकरा नहीं आया तो क्या हुआ है ना? ना ना मने मिठाई बिल्कुल नहीं भावती। अने आ आप तो लीजिए, हमें खुशी होगी। पंडित को, पंडित जी को शक्कर की बीमारी है। अगर आप थोड़ा ले लेती ना तो हमें बहुत खुशी होती। लेकिन हमें किसी की खुशी से कौन लेना देना। छोकरी क्या छे? छोकरी, छोकरी।
ऊंचाई शू है जी? हाइट 5 फीट 2 इंच। सरल काम, चल के दिखाओ। जी चल के? हाँ भाई, लाखों में एक छे मारो छोकरो, उसके पल्ले कहीं लूली लंगड़ी आ गई तो? अरे जो वो पड़े, देखना पड़ता है सब कुछ। निकल सैंडल। सामने सामने। बस। अच्छा ये बताओ कि गाना बजाना कुछ शौक है कि नहीं? कि फिर खेल कूद और फिर पोथी वाचने में ही मन लगता है? गाना बजाना? गाओ बेटा। अजीब अजीब गाना मुझे नहीं पसंद है। भजन कीर्तन? भजन कीर्तन नहीं सिखाया। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। बस बस। कर रही? कुछ नहीं, देखना पड़ता है जो वो पड़े छे भाई। आजकल की लड़कियां ना सब नकली लगाती है। वो क्या, नकली पलके, नकली आंखें, नकली बाल। जी कुम 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 कुम। ठीक है। चलो पढ़। तो फिर क्या फैसला किया है आपने हमारे बेटे के भविष्य का? ना। ये आप क्या कह रही है? आखिर क्या कमी है हमारी बेटी में? हटिएगा जी पंडित। चल अरे भाभी सुनिए, भाभी सुनिए तो। भाभी छोकरी तो बहुत सरस छे, फिर आपको पसंद भी नहीं आई। पंडित कितनी बार तुम्हें समझाया है, मुझे गवार काय चाहिए, चंट चालाक और चतुरनार नहीं चाहिए, समझे तुम? पर भाभी उसने तो अपना मुंह भी नहीं खोला। मुंह नहीं खोला? पंडित पता नहीं इसके पहले उसने कहां कहां मुंह खोला होगा, क्या बका होगा और क्या किया होगा। इसलिए तो उसके घर में इतने सारे मेडल और कप। ना ना, मने अभी वाव नची जोई थी। तो पची भाभी तुम्हारे केवी बहु जोई? पंडित तेरी याददाश्त ना कमजोर हो गई है, कितनी बार कहा है कि ब्राह्मी खाया कर। अब आखिरी बार तुझे कहती हूँ, ध्यान से सुन ले। मुझे ऐसी बहु चाहिए जो जबान होते हुए भी बेजबान रहे, नैनों के होते हुए भी नैनों की कला से मेरे छोकरे को अपने इशारों पे ना नचाए, हाथ पैर होते हुए भी कठपुतली की तरह सिर्फ मेरे और मेरे इशारों पे चले, समझे?